अस्सलाम वालेकुम, मैं YouTube फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो वीवर्स, आज की वीडियो का करते हैं। हमारा जो है पानी आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे पानी भरना है, तो इसको मैंने लगा दी यहाँ पे पैप, और पानी जो है वो मैं आप लोगों के साथ साथ पानी भी भर रही हूँ, और साथ में आप लोगों को किचन में और क्या करने बात नहीं होती इस, और ना मैं इसमें दही वगैरह डालूंगी और ना ही पानी वगैरह डालूंगी। आप लोग इस तरह बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा खाने में, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसी पक जाए, और ये देखिए ये गल चुकी है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है बस। अब मैंने मिर्ची, हरी मिर्ची मैंने जल्दी बन गई है, तो साथ में पानी का ये जो है यहाँ से टूट गया है, क्योंकि यहाँ पर ये लगाते थे पैंप, और ये पानी वगैरह ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, कि जो ताबीर है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी। अभी मैंने मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा रो रही है, तो देखिए इसको जब बुखार होता है ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सैड होता है, और ये अभी सो गए, इसको बहुत ज़्यादा डर सा लगता है, पता नहीं क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं YouTube फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो वीवर्स, आज की वीडियो का करते हैं आगाज़, और आज जो वीडियो है वो मेरे घर की वीडियो है, क्योंकि पहली वीडियो जो मैंने शेयर की थी वो मैंने बाहर की वीडियो शेयर की थी, तो आज मैं अपने घर की वीडियो आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली वीडियो को फुल वॉच करना, और जितने भी मेरे न्यू बहन भाई हैं, क्योंकि मेरा भी न्यू चैनल है, तो आप लोगों ने सपोर्ट करनी है और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, और मेरे चैनल को भी करना है सब्सक्राइब, और क्योंकि आप लोग के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाया करूँगी, और अपनी फैमिली के साथ अपने घर के काम काज के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, क्योंकि मैं आप लोगों से डेली रूटीन की वीडियो शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पे भी डेली रूटीन की वीडियो आप लोगों को बोला भी था मैंने कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँगी, और मतलब घर की रूटीन आप लोग से शेयर करूँगी। तो मैं चलती हूँ किचन में, तो जी किचन में मैं आ चुकी हूँ, और हमारा जो है पानी आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे पानी भरना है, तो इसको मैंने लगा दी यहाँ पे पैप, और पानी जो है वो आ रहा है। तो इसके साथ साथ मैं किचन में क्या क्या काम करती हूँ वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। और यहाँ पे तो जैसे कि आप जानते हैं कि पानी जो है वो हमें दिया जाता है, और चंद मिनट होता है या आधा घंटा होता है या 15-20 मिनट, तो उसमें हमने भर के रखना होता है। और इस ड्रम में मैं इस ड्रम को धो के भरती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा साफ सुथरा पानी है, तो इस ड्रम में मैं भर के रखती हूँ ताकि बर्तन वगैरह वॉश कर सकें, और कुछ जो भी खाने पीने में जो इस्तेमाल होता है इस ड्रम में मैं रखती हूँ। और यहाँ पे ये जो बड़ी टैंकी खड़ी, इसमें मैं ज़्यादा पानी इस्तेमाल के लिए रखती हूँ, इसमें कपड़े वगैरह धोए जाते हैं, तो वो पानी यहाँ पे जमा किया जाता है। और अब मैं आप लोगों के साथ साथ पानी भी भर रही हूँ, और साथ में आप लोगों को किचन में और क्या करने लगी हूँ ये भी बताऊँ। मैंने सब्ज़ी बनानी है, तो आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, और साथ में दूध भी रखा हुआ है। अच्छा, जो आज की मैं रेसिपी एक समझ लो, वैसे तो मैं आप लोगों से वीडियो शेयर कर रही हूँ, रेसिपी आप लोग देखोगे तो यकीन आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, और आज की वीडियो भी आप लोग वॉच कर लेना, साथ में आप लोग रेसिपी भी सीख लेना, मतलब देख लेना, क्योंकि हर कोई अलग तरीके से समझाता है। तो यहाँ पे मैंने जो मेथी ली है वो भी धो के वॉश करके रख ली है, और साथ में एक ही प्याज मैंने छोटा सा लिया था, और टमाटर वगैरह भी, तो मैं इनको जैसे बना रही हूँ आप लोगों ने ये देखना है। इसमें इतनी यमी बनती है, यकीनन इतनी टेस्टी, इसमें कोई कड़वाहट नहीं होती, और ना मैं इसमें दही वगैरह डालूंगी और ना ही पानी वगैरह डालूंगी, क्योंकि पानी से और दही से ना ये जो मेथी की कड़वाहट होती है वो वाज़ह हो जाती है। वो जो आप लोग जो इसका ग्रेवी वगैरह जो बनाते हैं टमाटर की या कुछ भी, तो उसमें वो शामिल हो जाती है, फिर वो आप लोगों को कड़वी सी फील होती है। तो मैंने इसको पहले हल्का सा फ्राई कर लिया, और थोड़ा सा ऑयल और डाला, क्योंकि मुझे कम लग रहा था, और थोड़ी थोड़ी मैंने चीज़ें जो नॉर्मल सी चीज़ें, कोई मसाले नहीं डाले। यकीन आप लोग इस तरह बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा खाने में, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग वैसे थोड़ा सा ही जो मेथी होती है वो थोड़ा इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसमें से जो जायका होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ी डालने से। तो आलू भी जो है वो मैंने अब डालने हैं, तो वो आलू तो बहुत अच्छे मुझे लग रहे थे, मुझे आलू बहुत ज़्यादा वैसे पसंद है, मैं ज़्यादातर इस्तेमाल बहुत करती हूँ हर सब्ज़ी में। तो ये हल्की सी आँच पर इसको पकाना है, इसमें आप लोगों को पानी और दही, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि हल्की आँच होगी तो इसमें पानी भी नहीं डालना पड़ेगा, छिड़काव भी नहीं डालना पड़ेगा,
रहेगा और ये जलेगी भी नहीं, तो यकीनन बहुत यमी बनेगी। और आप लोग भी देख रहे होंगे इसकी शक्ल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। और इसको मैंने ढक के रख दिया है ताकि ये अच्छी सी पक जाए। और ये देखिए ये गल चुकी है और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आप लोगों ने ऐसे ही करना है बस। अब मैंने मिर्ची, हरी मिर्ची मैंने ऐसे डाल के ये तैयार हो चुकी है। और अब मैं आप लोगों को और भी बता दूं क्योंकि ये बहुत जल्दी बन गई है। तो साथ में पानी का ये जो है ड्रम ये हो गया कंप्लीट। और अब मैं इसको यहाँ पे लगाती हूँ टंकी में। और यहाँ से थोड़ा सा नल जो है इसका यहाँ से टूट गया है क्योंकि यहाँ पर ये लगाते थे पैंप और ये पानी वगैरह के जंग से ना तो ये टूट गया है। तो यहाँ पे कूलर वगैरह भी मैंने भर के रख लिया था और ये ड्रम भी जो है ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है क्योंकि जो ताबीर है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी। अभी मैंने मोबाइल जो है अपने हाथ में लिया हुआ था क्योंकि मोबाइल पकड़ के ही बना रही थी तो इसीलिए। और ताबीर जो है वो देख इसको जाके देखते हैं और वो देखें बहुत ज़्यादा रो रही है तो देखें बहुत ज़्यादा रोती है और ये बहुत ज़्यादा तंग करती है। और सबील हसन को बहुत तेज़ बुखार है और ये बहुत ही इसको जब बुखार होता है ये बहुत ज़्यादा परेशान होता है और सैड होता है और ये अभी सो गया इसको बहुत ज़्यादा डर सा लगता है, पता नहीं क्या मसला है। तो आज की वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।